Hello everyone, once again you all are most welcome in our channel कुछ पंक्तियाँ जिंदगी की। आज मैं आपसे हिंदी के दो मुहावरे और उनका अर्थ किस संदर्भ में हम उन्हें बोलते हैं उदाहरण सहित आपसे शेयर करती हूँ। पहला मुहावरा है जले पे नमक छिड़कना, या कह सकते हैं घाव को खुरेदना या घाव पे नमक छिड़कना, और दूसरा है घाव पे मलम लगाना। दोनों मुहावरे एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए समझने में और इनके अर्थ समझने में उदाहरण समझने में आसानी रहेगी। पहले मुहावरा जो जले पे नमक छिड़कना, इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग जल गया है तो जाहिर है कि उसे बहुत पीड़ा होती है और बहुत जलन होती है। ऐसे में कुछ विकृत प्रवृत्ति के हृदयहीन व्यक्ति उसके पास जाते तो इस उद्देश्य से ये कह के कि हम आपके जले को पे कोई मलम लगाने आए हैं, लेकिन करते क्या है, धीरे से उसके जले हुए स्थान पे नमक छिड़क देते हैं। या किसी व्यक्ति के शरीर पे कोई घाव हो गया है, पीड़ा बहुत अधिक है, जलन है, तो उसे देखने के बहाने उसके पास जाएंगे कि कितना घाव है, क्या है, और उस पे नमक छिड़क देंगे। और क्या करते हैं कुछ लोग, अगर देखते हैं अरे इसका तो घाव ठीक होने लग गया, तो क्या करना, पास में जाएंगे, देखें कितना घाव ठीक हुआ है, और उस बहाने जो घाव के ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है, एक पपड़ी आने लगती है, व्यक्ति की व्यथा थोड़ी कम हो चुकी होती है, उसी समय जाके उस चमड़ी को जो ऊपर हल्की सी लेयर आई थी अपने नाखून से हटा देते हैं, और फिर शुरू होता है व्यक्ति के वापस वही जलन और वही कष्ट। इस मुहावरे का अर्थ यही है कि जले पे किस तरह कुछ लोग नमक छिड़क देते हैं और घाव को किस तरह कुरेदते हैं। अब इन्हें हम किस तरह व्यवहार करते हैं, किस संदर्भ में, वो बताती हूँ। हम इंसानों के ज़िंदगी में सुख दुख साथ साथ चलते रहते हैं, और सबकी अलग अलग परेशानियाँ होती है, किसी के शारीरिक, किसी के मानसिक, किसी के आर्थिक, तो किसी के सामाजिक, या अपने परिवार में घरेलू अशांति, कुछ भी हो सकता है। और अधिकतर परेशानियां हम चाहते हैं कि जग जाहिर नहीं हो, स्पेशली अगर वो हमारी पारिवारिक समस्या हो, जैसे किसी की शादी में कोई बाधा आना, किसी की मर्जी से शादी करना, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, तलाक तक पहुंच जाए, बच्चों में, पिता में आपसी जो कलेश होता है, हम नहीं चाहते कि वो जग जाहिर हो। और लेकिन ये भी तय है कि ये बातें छुपती नहीं, ऐसे में और हम लोग अंदर से जिसके भी साथ ये हो वो बहुत व्यथित रहता है, एक जलन रहती है, दिल में तकलीफ रहती है। ऐसे में अगर कोई खराब स्वभाव का व्यक्ति आके जानबूझ के उन बातों को कुरेदता है, पूछता है, ताने मारता है, अरे अरे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, नाक कटा दी वगैरह वगैरह, अरे अरे अब क्या होगा, तो जो व्यक्ति पहले से ही जिसके हृदय में जलन है, तकलीफ है, कष्ट है, उसके तकलीफ और बढ़ जाती है। तो यानी जो पहले से जला हुआ है, जिसके दिल में घाव है, उस पे उसने और नमक छिड़क दिया, उसे और उसकी तकलीफ बढ़ा दी। या जैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब पूछा, कुरेद कुरेद के, जैसे कोई सीरियल है उसका क्लाइमेक्स जानना चाहते हैं तो जख्मों को जैसे कुरेदते हैं, बातों को कुरेद कुरेद के पूछते हैं, तो व्यक्ति और भी व्यथित हो जाता है। इसी संदर्भ में इन दोनों मुहावरों का प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो हृदयहीन होते हैं। अधिकतर लोग ऐसी सिचुएशन में मलहम लगाते हैं। दूसरा मुहावरा यही है, घाव पे मलहम लगाना। यानी अगर किसी व्यक्ति को हम लोग अपना घर का है तब तो क्या, अगर कोई अपरिचित भी है, देखते हैं उसके जल गया है या उसके कट गया है, उसके तकलीफ हो रही है, तो तुरंत प्रयास करते हैं जो भी हमसे बन पड़े फर्स्ट एड करें, और अधिक है तो डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं, यानी उसके घाव पे मलम लगाना। सभी यही सोचते हैं, पहला कर्तव्य होता है कि उसे किस तरह आराम दिलाया जाए। तो ये हुई एक शाब्दिक कर्तव्य, घाव पे मलम लगाना, जो हर अच्छा इंसान करना चाहता है। और इसको व्यवहारिक जीवन में इन्हीं उदाहरणों में देखिए, अगर परिवार में या आसपास किसी व्यक्ति के जीवन की कुछ तकलीफों के बारे में हम जानते हैं, तो जानते हुए भी हम नहीं चाहते कि उसे ये पता चले कि हमें मालूम हो गया है। और अगर उसे वो हमसे सलाह चाहता है, तब जरूर जो हमसे बन पड़े, जो हमें उचित लगता है, वो हम उसे सलाह देते हैं। या अगर मदद करना चाहते भी हैं तो अलग ढंग से
बात करते हैं कि क्या ऐसी कोई समस्या है तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको दुख ना हो, यानी मॉरल सपोर्ट देते हैं मगर बिना उसकी भावनाओं को दुख पहुंचाए, और बन पड़े तो मदद करते हैं, और अगर मदद नहीं कर सकते तो कभी भी उसे चला के उसकी बातों को कुरेदना, क्यों हुआ, कैसे हुआ नहीं करते। ये इसे कहते हैं घाव पे मलम लगाना, यानी व्यक्ति के जो तकलीफें हैं उन्हें हम दूर तो नहीं कर सकते मगर उनका साथ देने का प्रयास करते हैं, उनके पास खड़े रहते हैं और संभव हो तो मदद भी करते हैं। यानी उनके घाव पे जो किस्मत ने, वक्त ने उन्हें घाव दे दिए हैं तरह तरह के, उस पे मलम बनने का काम करते हैं, उन्हें उनके मनोबल बढ़ाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे कहूँगी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आजकल भाषा कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी भाषा इतनी विशाल है और इतनी महान है, समान समुद्र है जिसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली जब आजकल जो हम लोग शहरों में रहते हैं, बहुत सी मुहावरे कहावतें सुनते हैं मगर क्यों बोली जाती है हमें नहीं पता है, तो ऐसे में अगर हमारी इन कहावतों को, मुहावरों को न्यू जनरेशन पढ़े सुने तो और अच्छा रहे। जो मुझे और जो लोग हमेशा देखते हैं उनसे कहूँगी कि और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दें कैसी लगी ये कहावत। और फ्रेंड्स, ईश्वर से तो यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा, और पूरे जीवन यही प्रयास किया है कि कभी भी किसी के घाव पे कभी भी नमक नयन छिड़के ना ही उसके जख्मों को कुरेदे, प्रयास यही किया है और आगे भी यही इच्छा रहे है, पूरे जीवन करूँगी कि हो सके तो किसी के जख्मों पे मलहम लगाएं। और ईश्वर से तो यही प्रार्थना है, जो लोग दूसरों के घाव पे हमेशा मलहम लगाते हैं उनके जीवन में घाव आए ही नहीं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जुड़े और अपने परिवार को बढ़ाएं, खुशपंथी सभी का है, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, और कभी भी कुछ सुझाव देना चाहें तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। स्टे सेफ, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस।